हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे केरी की खट्टी मीठी सब्जी। एक बर्तन में एक चम्मच तेल डालेंगे, गैस ऑन कर देंगे, गैस को मीडियम पर रखें। तेल गर्म होने के बाद एक डालेंगे साबुत लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, एक छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया, एक छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, एक टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें राई, आधा टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें हींग, एक केरी कटी हुई ऐड कर देंगे। अब हमें अच्छी तरह से इसको मिलाना है और 1 मिनट के लिए गैस पर इसको पकाना है। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे काला नमक। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक गैस पर रखना है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चम्मच की सहायता से हमें इसको अच्छी तरह से मिलाना है और केरी को अच्छी तरह से गलने तक हम इसे पकाएंगे। केरी लगभग गल चुकी है। अब हमें इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है। हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। गुड़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच पानी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुड़ को पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। गुड़ अच्छी तरह से पक जाएगा तब हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हो गए गाइस, हमारी सब्जी लगभग तैयार हो गई है। आप इस सब्ज़ी को कम से कम 7 से 8 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।